चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि सरकार की ओर से लगाए गए वैक्सीनेशन महाभियान सफल रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर जनता में उत्साह है, दूसरे डोज को लोगों में जो उदासीनता थी वो अब कम हो रही है। सारंग ने कहा कि जन्माष्टमी पर भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसी के साथ बाल कांग्रेस गठन पर सारंग ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, लेकिन कांग्रेस पश्चिम की संस्कृति को युवाओं में बढ़ावा देना, उनकी पार्टी की महिलाओं का उत्पीड़न करना, बच्चों में अनुशासनहीनता ना फैला दे। उन्होंने कहा कि बच्चों को इस तरह से राजनीति मिलाकर उनके भविष्य को खराब ना करें। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा मंत्री ने। मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी हमारी बढ़ रही है, और हम सबके लिए ये प्रसन्नता की बात है कि कोरोना को हराने के सबसे असरदार अस्त्र वैक्सीन को लेकर जनता में उत्साह है। हमारा दो दिन का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, महावैक्सीनेशन अभियान 25 और 26 अगस्त का, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि वो वैक्सीन लगवाएं, और दोनों डोज के लिए, बीच में जो सेकेंड डोज को लेकर थोड़ी उदासीनता थी वो भी अब समाप्त होती दिख रही है। जगह से ये मांग आई थी कि जन्माष्टमी पर छुट्टी रहती है और छुट्टी के दिन यदि वैक्सीनेशन होगा तो लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, इसलिए जनता की मांग पर ही ये निर्णय लिया गया है। हमारे वैक्सीनेटर और हमारे पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस दिन भी वैक्सीन लगाने के लिए हामी भरी है।